हेलो जी, की हालचाल। कुछ ऐसे लोग होते हैं यार जिनको फ्यूचर वाला फोन लेना होता है, 5G वाला फोन लेना होता है। तो यार उनके लिए रियलमी की तरफ से रियलमी का 8 5G वर्जन इंडिया में लॉन्च हो चुका है। रियलमी का 8 4G वाला पहले लॉन्च हुआ था, साथ में रियलमी का 8 Pro भी लॉन्च हुआ था। सबके ऊपर आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। और साथ में मेरे हाथ में ये जो दूसरा फोन है ना, ये है Xiaomi का राजा बेटा वाला फोन। यदि आपका बजट है 12,000 रुपए तो आपको ये वाला फोन मिल जाता है, Redmi का Note 10। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि यार क्या हमें लेना चाहिए Realme का 8 5G वाला फोन, या हमें जाना चाहिए Redmi के Note 10 की तरफ। एक है 5G वाला फोन, एक है 4G वाला फोन। यदि आपके दिमाग में यार बहुत ज्यादा उठा पटक मची हुई है तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे, मैं आपको हर एक चीज का आंसर देने वाला हूँ। दोनों ही फोन में आपको डेडिकेटेड माइक्रो एलईडी कार्ड का फीचर मिलता है, बड़ी अच्छी बात है। 5G वाला सिम कार्ड यदि आपको लगाना है तो आपको जाना चाहिए Realme के 8 5G वाले की तरफ, क्योंकि यार ये जो फोन है ना, ये 5G को सपोर्ट करता है। और जो Redmi का Note 10 है, ये 5G को ना तो सपोर्ट अभी करता है, ना तो आगे आने वाले टाइम में करेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा, आपको 5G वाला फोन लेना है या आपको यार 4G की तरफ जाना है। IR ब्लास्टर भी आपको देखने को मिल जाता है यार Redmi के Note 10 में। और साथ में दोनों ही फोन का जो लाउड स्पीकर है, ये अच्छा खासा वाला लाउड है। हाँ यार, जो Redmi का Note 10 है, यहाँ पर आपको 2 स्पीकर मिलते हैं, और जो नीचे वाला स्पीकर है ये थोड़ा सा ज्यादा लाउड है। और यार हेडफोन का जैक आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाता है, और जितना भी मैंने म्यूजिक सुना मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरा जो प्राइमरी सिम कार्ड है वो मैंने डाल के चेक करा, दोनों ही फोन में आराम से बिंदास तरीके से काम कर रहा है। अच्छा वाला यार आपको लाउड स्पीकर भी देखने को मिल जा रहा है, और साथ में यार जो ईयर पीस है ना, इससे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, जो सत्यवादी वाली यार एक चीज है ना, वो है गूगल डायलर। और आपको किसी की आवाज रिकॉर्ड करनी है तो यार सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप उसकी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब बात करते हैं यार कौन से फोन का सॉफ्टवेयर काफी कमाल का है। दोनों ही फोन एंड्रॉइड 11 में बेस्ड है, काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। MIUI में कभी कभी बग्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और जब मैंने अमेज़न से बाय किया था ना Redmi का Note 10, पहले वाले डिवाइस में प्रॉब्लम थी, आज वाले डिवाइस में जो रिप्लेसमेंट होने के बाद डिवाइस आया है उसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। MIUI में थोड़े मोड़े बग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको MIUI से प्रॉब्लम नहीं है तो आप जा सकते हैं Redmi के Note 10 की तरफ। और जो ये वाला फोन है ना, Realme का 8 5G वाला, यार जो Realme का 2.0 है ये काफी बिंदास है, मुझे कहीं भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है, काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। और धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है यार Realme सॉफ्टवेयर में भी अच्छा वाला ध्यान दे रहा है। बस यार सॉफ्टवेयर का अपडेट आना चाहिए टाइम टू टाइम, तभी हम मानेंगे हाँ Realme अच्छा वाला काम कर रहा है। यदि आपको Realme का UI पसंद है तो आपको जाना चाहिए Realme के डिवाइस पे, और जिन लोगों को MIUI पसंद है तो भैया आपके पास तो ये वाला डिवाइस है, Xiaomi के हर एक फोन में मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको यार साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा फास्ट मुझे लगा है ये वाला डिवाइस जो है Realme का 8 5G वाला। दोनों ही फोन में आपको यार फेस अनलॉक का भी फीचर मिल जाता है, यहां पर भी कोई भी कटौती नहीं करी गई। कौन से फोन में परफॉर्मेंस काफी तगड़ी मिलती है, ये बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन है। जो Redmi का Note 10 है, यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 678 वाला प्रोसेसर मिलता है, डे टू डे लाइफ में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और यार आपको मॉडरेट यूज करना है, मेरे हिसाब से आपको नहीं प्रॉब्लम होगी Redmi के Note 10 में। बट जो आपको Realme के 8 5G वाले फोन में प्रोसेसर मिल रहा है ना, ये काफी बिंदास है, काफी सुपर फास्ट वाला प्रोसेसर है, 5G वाला प्रोसेसर है, MediaTek का Dimensity का 700, और मेरे हिसाब से बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। गेमिंग के हिसाब से भी आप इस फोन में जा सकते हैं, डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जब भी मैंने अंतुतु बेंचमार्क स्कोर चेक करा तो यार जो Realme का 8 5G वाला फोन है ना, यहाँ पर आपको जो स्कोर देखने को मिल जा रहा है ये है 2,95,000 के आसपास। और जो Redmi का Note 10 है, यहाँ पर आपको जो स्कोर मिल रहा है ये है 2,20,000 के आसपास। और साथ में CPU थ्रोटलिंग में भी यार जो Realme का 8 5G वाला फोन है ना, ये बहुत कम थ्रोटल हुआ है। परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं आपको सीधे कह सकता हूँ कि यार जो Realme का 8 5G वाला फोन है ना, ये काफी किलर वाला फोन है, काफी अच्छी वाली आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। दोनों ही फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जा रही है,
और जो Redmi का Note 10 है यहाँ पर आपको 33 वॉट का जो फास्ट चार्जर है वो बॉक्स के अंदर मिलता है। Realme के 8 5G फोन में आपको 18 वॉट का जो फास्ट चार्जर है वो बॉक्स के अंदर मिलता है। और जितना भी मैंने यूज करा ना कहीं मुझे जो बैटरी बैकअप ज्यादा अच्छा वाला मिला है वो मिला है Realme के 8 5G वाले फोन में। ये फोन बिंदास तरीके से आपका एक दिन निकाल देगा। और यदि आपको यार मॉडरेट यूज करना है तो ये फोन भी आपको मायूस नहीं करेगा। जो है Redmi का Note 10 आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर Redmi के Note 10 में मिलता है, ये भी काफी अच्छी बात है। किस फोन की डिस्प्ले काफी अच्छी है, कौन से फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, दोनों ही फोन में आपको पीछे की तरफ पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलती है। काफी लाइट वेट वाले फोन है, बहुत अच्छी बात है। काफी कॉम्पैक्ट फोन है। जो Redmi का Note 10 है आपको 6.4 इंच का एमुलेट पैनल मिलता है, ये बहुत गजब की बात है। 60 हर्ट्ज का पैनल है, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो Realme का 8 5G वाला फोन है यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है, 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, हाँ एमुलेट पैनल नहीं है। और जो पंच होल का पोजीशन है ना Realme के 8 5G फोन में आपको साइड की तरफ मिलता है और Redmi के Note 10 में आपको बीच की तरफ मिलता है। अब आप यही सोचेंगे यार डिस्प्ले किस फोन की बेहतर है, एमुलेट डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। और साथ में वाइड वन L1 का सपोर्ट आपको दोनों ही फोन में देखने को मिलता है, आराम से यार आप HD वाले वीडियो देख सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म में, वीडियो देखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कौन से फोन का कैमरा बेहतर है। जो Realme का 8 5G वाला फोन है आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है और जो प्राइमरी सेंसर है यह है 48 मेगापिक्सल का, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और जो 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर है यह है सैमसंग का सेंसर। और जो Redmi का Note 10 है यहां पर आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा मिलता है और जो प्राइमरी सेंसर है 48 मेगापिक्सल का यह है सोनी का सेंसर, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको थोड़े से सैंपल दिखा देता हूं। दोनों ही फोन के फोटो में डिटेल की कहीं भी कोई भी कमी नहीं है, जो सैचुरेशन लेवल है ये भी काफी अच्छा लग रहा है, वाइट बैलेंस में भी काफी अच्छे से काम किया गया है, बट कहीं ना कहीं जो कलर है ना ये आपको अलग लग रहे हैं। जो Redmi का Note 10 है यहाँ पर आपको थोड़े से बूस्टेड कलर लग रहे हैं और जो Realme का 8 5G वाला है यहाँ पर आपको जो कलर लग रहे हैं ना ये थोड़े से अलग लग रहे हैं। अब आपको बूस्टेड कलर पसंद है तो आप जा सकते हैं यार Redmi के Note 10 की तरफ। और मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि यार कौन से फोन का कैमरा आपको बेहतर लगेगा। कभी कभी फोटो आपको Realme के 8 में काफी अच्छी वाली मिल जाएगी, कभी कभी आपको यार फोटो Redmi के Note 10 में काफी अच्छी वाली मिल जाएगी। अभी तो मैंने आपको डे लाइट कंडीशन की सारी फोटो दिखा दी और जो माइक्रो शॉट्स है ना ये भी आपको दोनों ही फोन में काफी अच्छे वाले मिल जाते हैं। जब भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा ये भी मुझे यार दोनों फोन में काफी बेहतर लगे हैं। नाइट में कहीं ना कहीं Realme का 8 5G वाला जो फोन है ना ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा है Redmi के Note 10 से। हाँ Redmi के Note 10 में थोड़ा सा लग रहा है यार नाइट पे काम करना चाहिए। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा दोनों ही फोन में सॉफ्टवेयर के थ्रू जब अपडेट आएगा ना हो सकता है कैमरा और भी बिंदास हो जाए। आपको फोटो देखकर ये समझ में आ गया होगा कि यार हाँ कौन से फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा है। और आप बताइए आपको कौन से फोन का कैमरा ज्यादा अच्छा लगा है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ यार कौन से फोन की तरफ आपको जाना चाहिए। आपको 5G वाला फोन लेना है, साथ में अच्छा वाला UI लेना है। मुझे लग रहा है यार जो Realme का UI है ये काफी बेहतर है। अच्छी वाली यार आपको बैटरी लेनी है 5000 mAh की, तो आपको जाना चाहिए Realme के फोन में। और जो Redmi का Note 10 है यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, ये काफी अच्छी बात है। 5000 mAh की बैटरी भी मिल जा रही है, थोड़ी सी बैटरी को और सही होना चाहिए। 33 वॉट का जो फास्ट चार्जर है ये भी आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। जो कैमरा है ये भी काफी गजब का आपको मिलता है, बहुत ही अच्छा वाला फोन है Redmi का Note 10। आपको 5G वाले फोन की तरफ जाना है तो आपके पास Realme का 8 5G वाला फोन है। आपको 4G की तरफ जाना है तो यार आपके पास Realme का 8 4G वाला भी फोन है, जहां पर आपको यार AMOLED डिस्प्ले मिलती है और वो फोन आपको सस्ते में पड़ जाए तो आप उस फोन में भी जा सकते हैं। और आपका बजट फिक्स है 12,000 रुपए में आपको AMOLED पैनल लेना है, तो मेरे हिसाब से
सबसे गजब का जो फोन है ना वो है ये वाला फोन Redmi का Note 10। और आपको छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ यार, मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है Moto के G60 का, तो जाइए उस वीडियो को भी देख लीजिए। और आपके दिमाग में अभी भी कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाते जाते यही कहूंगा कि यार खुश रहिए, बिंदास रहिए, इस चैनल पे पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जस्ट बगल में आपको बेल बटन दिख रही होगी, फटाफट इसको दबा दीजिएगा, और मुझसे कोई भी गलती हो उसको भी आप बता दीजिएगा। ट्विटर में मैं आपको ऑलवेज ऑन मिलूंगा, तो फटाफट मेरा जो ट्विटर पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और कहीं भी आप फॉलो करना चाहते हैं उसके जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।